अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप मेरा चैनल देख रहे हैं ताकि बिले भी लोग, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आज फिर कुछ ऐसा है, बहुत ही प्यारा व्लॉग बनाने जा रहा हूँ आपके लिए, बहुत ही प्यारी वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके लिए दोस्तों। तो आप देख सकते हैं पीछे कि बगास की लोडिंग हो रही है। तो पहले भी वीडियो मैं आपको दिखा चुका हूँ बगास की लोडिंग की, लेकिन इस बार मैं आपके लिए अजीब ही लोडिंग लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं पीछे कैसे लोडिंग हो रही है। हाँ तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि ये बाकेट के साथ इसको लोड कर रहे हैं बगास को। पहले ट्रैक्टर के साथ आगे जो उसका जुगाड़ लगा के ट्रैक्टर के साथ लोड करते थे, अब ये बाकेट इन्होंने बनाया, बाकेट के साथ अब ये लोड कर रहे हैं बगास को। बहुत ही प्यारा निज़ाम बनाया, बहुत ही खूबसूरत निज़ाम बनाया इन्होंने। देख सकते हैं आप कि आगे कितना बड़ा इन्होंने बाकेट लगा के जैक सिस्टम लगाया इन्होंने। तो आप पीछे ये भी देख सकते हैं, ये पीछे जो ड्रम सा बना हुआ है ट्रैक्टर की बैक साइड पे, इन्होंने ये वेट बराबर करने के लिए बनाया है। इन्होंने ये ड्रम तैयार करके इसके अंदर वेट रखा है ताकि जैसे ही हम बगास को लोड करें, बगास ऊपर है बाकेट के, तो पीछे जो है वेट इसका वो बराबर है। ये आप देख सकते हैं। तो इसको जो इस ट्रैक्टर को टायर लगाए गए हैं वो भी इससे बड़े हैं, जो आम ट्रैक्टर को लगाए जाते हैं उससे बड़े हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये अब बॉकेट को बगास से भर रहा है, जैसे ही भरेगा आप देख सकते हैं कि अब वो पीछे लेके जा रहा है, जाके ट्राली में लोड करेगा। तो ये जो पीछे बक्सा सा बना हुआ है ट्रैक्टर के पीछे, तो ये वेट बराबर करने के लिए बना हुआ है। तो अब ये आस्ते आस्ते लेके जा रहा है, बॉकेट फुल है इसमें, तकरीबन 2 से 3 मान इसके अंदर जो है बगास वो आती है एक बॉकेट के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं लेके जा रहा है। ये जो अंदर बाकी जो मजदूर हैं, जो इनके साथ हेल्पर हैं, वो उसकी जो है सेटिंग कर रहे हैं अंदर खड़े होके। तो ये देखें, इसने बॉकेट के ज़रिए ट्राली में बगास जो है डाल दी है। तो अब ये दोबारा इसको भरने के लिए आ रहा है, यहाँ से लोड करता है बॉकेट को, वहाँ से आप देख सकते हैं कैसे अनलोड हो रहा है। तो आप देख सकते हैं अब दोबारा आ गया ट्रैक्टर बगास को लोड करने के लिए। ये बॉकेट में अब लोड हो चुकी है, अब ये हंड्राला को ऊपर करेगा। ये अब बॉकेट ऊपर हो रहा है, अब ये आस्ते आस्ते पीछे लेके आएगा, फिर जाके इसको लोड करेगा ट्राली के अंदर। ये आप देख सकते हैं, इसको आराम आराम से बैक करते होते हैं ताकि इसका लेवल बराबर रहे। अगर इस पे थोड़ी सी तेज़ी करेंगे, जल्दबाजी करेंगे, तो वो अपना ही नुकसान होगा। ये कल्टी भी हो सकता है, उलट भी सकता है ये, तो इसलिए इसको आराम से जब लोड हो जाता है तो आराम से लेके आते हैं और आराम से बहुत तजुर्बे के साथ इस ट्राली के अंदर इसको अनलोड करते हैं बॉकेट को। तो आप ये देख सकते हैं कि अब वो दोबारा लेने जा रहा है। तो इधर एक ट्राली लोड हुई भी खड़ी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये ट्राली लोड हुई खड़ी है, तिरपाल वगैरह इन्होंने इसके ऊपर डाल ली है अपनी सेफ्टी के लिए। तो बाकी ये पीछे 2-3 और रह गई हैं, इनको लोड करना है इन्होंने, तो फिलहाल इसको लोड कर रहे हैं। हाँ तो दोस्तों, ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आपने देखा कि ये अब इन्होंने बाकेट के साथ ट्रालियों को लोड किया है। तो पहले इन्होंने जुगाड़ जो लगाया हुआ था वो ट्रैक्टर के आगे जुगाड़ लगा के वो जो बड़े ट्राले हैं उनको लोड करते थे, अब इन्होंने बाकेट के साथ ये ट्रालियाँ लोड की हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना ना भूलिएगा। इस पर करते हैं एंड, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।